भाई तो फिलहाल है बोंटा पार्क में। अभी हमने बोंटा पार्क से एंट्री मारी है। तो फिलहाल ये जो चरबुजा गुम्मत पड़ता है ये ठीक मेरे सामने है, आप देख सकते हैं ये। तो भाई यहाँ से आप 300 मीटर दूर वो खूनी झील है और ऐसा रास्ता है खूनी झील का, और जाके देखेंगे और जानेंगे खूनी झील के बारे में। वैसे तो बता दूं हम खूनी झील में कई बार आ चुके हैं। तो आप भाई अभी स्टार्टिंग ही करी, और देखो हमें रास्ते में कुआं दिखाई दिया। ये कुआं है, पता नहीं क्या है। और भाई ये तो एक नाव की शेप में भाई काफी बड़ा कुआं है, जैसे पुराने वक्त में नाव चलती हो, देख सकते हैं आप इसे। अब पता नहीं लोग बाग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके पिकनिक मनाते हैं, और ये घना जंगल है काफी। तो भाई ये खूनी झील पे आ चुके हैं हम। सामने आपको दिख रहे होंगे बंदर के बच्चे, और बंदर हैं। और यहाँ पे मजे से नहा रहे हैं वो इस पानी में, ठंडा ठंडा पानी है, काफी अच्छा पानी है। बिल्कुल भाई ये है खूनी झील, हम खूनी झील पे पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर और बत्तख नहा रही है। कहा जाता है इस खूनी झील के बारे में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को यहाँ पर ला के डुबाया गया था। करीब 80 फुट गहरी ये झील है, आप समझ सकते हैं। और चारों तरफ से जाल है, आप देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े जाल हैं ऊंचे ऊंचे। ये सुरक्षित करी गई है ताकि यहाँ पे कोई इंसान ना आ सके। आप वहाँ पर देख सकते हैं, नीचे से जा सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे बंदर हैं, बत्तख हैं, यहाँ पे आराम से मनोरंजन कर रही है। अभी पता चला है शायद, देखिए वो बंदर तैर रहा है, काफ़ी अलग चीज़ है। आइए चलते हैं और देखते हैं, शायद नीचे जा सकते हैं नहीं जा सकते। देखिए शायद नीचे जाने का रास्ता है यहाँ पे, चलते हैं फिर नीचे। वहाँ पर जा सकते हैं शायद हम। इतने पास हम आ चुके हैं, अभी भी आगे जाने में अंदर तो कुछ कह नहीं रहा भाई, इसके बाद इसका मतलब ये लग रहा है कि हमने खूनी झील देख ली है और निकल चुके हैं बाहर की तरफ। आइए चलते हैं। काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस था ये, अलग एक्सपीरियंस था। इसमें एक्शन, हॉरर, क्राइम, थ्रिल, एडवेंचर, एक्शन सब था, शायद क्राइम नहीं था। आइए चलते हैं भाई। बोंटा पार्क के पास ही पड़ जाती है शिकारगाह, इसका नाम नहीं पता, अननोन शिकारगाह। ये किस तरह का स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, और ये इसका फ्रंट गेट है। ये शायद 1500-1600 शताब्दी के बीच ये शिकारगाह बनाई गई थी, जैसे कि वादी अब इससे पहले शिकारगाह दिखाई थी, देख सकते हैं आप। पूरा राउंड अप लेते हैं इसका, इसके बारे में जानकारी अगर मैं बता दूँ, बोर्ड तो होनी चाहिए थी, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है अभी तक शायद लगाया जाए। ये चीज़ें देख सकते हैं।